तो गाइस आज का वीडियो में आपको काट के दिखाएंगे लेडीज शार्क। तो गाइस आप लोग देखो और सीखो हम लेडीज शार्क किसे करता है, और आपको एक बार में पता चल जाएगा। ये है मेरा कपड़ा, ये है व्हाइट कपड़ा, व्हाइट कपड़ा में आपको शार्क काट के दिखाएंगे। तो गाइस ये शार्क का जो लंबाई है, लंबाई बोलता है आपको, इसका लंबाई है 26 हाफ, और इसका जो चेस्ट है 38, और इसका जो वेस्ट है 35, इसका जो हिप्स है 39 हाफ है, और इसका जो शोल्डर है, शोल्डर है इसका 15.5, और इसका जो मतलब स्लीव्स है 14, तो ये 3/4 स्लीव्स होगा। इसका जो काफ है 11, और इसका जो नेक है 14 है। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करता है। ये है कपड़ा, तो आप इसको शार्ट का कपड़ा इसको ऐसे करके डबल करके लेना होगा। तो आसान है, इजी है, आपको एक चुटकी में मतलब सीखने को मिलेगा। तो देखो मैंने इसको डबल करके बिछा लिया है, तो अभी इसका मेजरमेंट में करेंगे। तो इसका जो लंबाई है 26 हाफ है, ये गाइस आप अच्छा करके देखना, एक बार में आपको पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ से आपको आधा इंच करके इसका लंबाई का निशाना लगाएंगे। मैंने पहले आधा इंच सर के लंबाई का निशाना लगाएंगे। इसका लंबाई है जो होता है 26 हाफ है, 26 हाफ में इसका लंबाई का निशाना लगाएंगे, और आधा इंच लगाएंगे इसका सिलाई के लिए। ये साइनिंग स्टार होगा, इसके लिए मैंने आधा इंच दिया है। तो अभी इसको मैंने आर्म होल का हिसाब लगाएंगे। आर्म होल कैसे निकलता है गाइस आप लोग देखो। तो आर्म होल आपको सेट जो होता है चार हिस्सा में डिवाइड करना होता है, होने के बाद आपको जितना होता है उस हिसाब से आपको मेजरमेंट निशाना लगाना है, लगाने के बाद आपको आर्म होल निकल जाएगा। तो इसका 38 चेस है, आपको सारे हिस्सा में डिवाइड करना होगा। मैंने सारे हिस्सा में डिवाइड करेंगे, करने के बाद मेरा आया है 9.5, तो मैंने 9.5 पे निशाना नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे देखो 9 पे, ऐसे करके 9 पे लगाएंगे। ये लड़की का शार्ट है, अगर लड़का का 9.5 पे लगाता था, ये लड़की का है, आधा इंच मैंने कमा दिया। तो गाइस देखो यहाँ से आपको ऊपर से 14 भी निशाना लगा सकता है, और 15 भी। तो गाइस इसका मैंने 15 लगाएंगे, और यहाँ से ऊपर से और एक निशाना लगाएंगे मैंने 23 पे, देखो ऐसे करके तीनों निशाना मैंने लगा लिया है, क्योंकि ये चेस्ट का भी मेजरमेंट है, वेस्ट का भी मेजरमेंट है, और हिप्स का भी मेजरमेंट है, तीनों मेजरमेंट है, इसलिए मैंने तीनों निशाना लगा लिया है। तो अभी इस साइड से आपको 1.5 इंच पे एक निशाना लगाना है, और यहाँ आपको ऐसे करके 1.5 इंच पे एक निशाना लगाना है, बस लगा लिया। तो आप ऐसे करके इसको ना, ये वाला निशाना आपको सीधा करना होगा। तो इसमें हम उतना निशाना नहीं देंगे, क्योंकि ये व्हाइट कपड़ा है, तो जहां जहां हमको मेजरमेंट करना है वहां वहां मैंने निशाना लगाएंगे। देखो देखो यहाँ आपको यहाँ से मेजरमेंट करना होगा, इसलिए मैंने वहां वहां निशाना लगाया। तो और एक निशाना यहाँ को लगाएंगे, तो हो गया। आप इसका जो निशाना लगाएंगे मैंने नेक का, इसका जो नेक है 14 है, इसका नेक है 14 आपको कितना लगाना है, आपको मतलब 3 इंच होने का 2 सूता कोम तक आपको मतलब इतना तक लगाना है, पौने 3 इंच तक लगाना है। देखो इसे करके 3/4 इंच तक आपको एक निशाना लगाना है कॉलर के लिए, और यहाँ आपको और 3/4 इंच तक एक निशाना लगाएंगे। देखो लगा लिया, तो अभी ये मैंने जो होता है ऐसे करके इसको गोलाई कर दे देंगे, बस ये मेरा कॉलर का निशाना हो गया। तो देखो मैंने यहाँ से आप यहाँ देखो, यहाँ 3/4 इंच पे निशाना लगाया है, और यहाँ भी मैंने 3/4 इंच पे निशाना लगाया है। तो आप लगाएंगे इसका शोल्डर का निशाना, इसका शोल्डर है 15 हाफ है। तो गाइस देखो 15 हाफ आपको 2 हिस्सा में डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद आपको आएगा मतलब देखो 15 हाफ, ये मेरा 15 हाफ है, आपको फीता ऐसे करके पकड़ना है, देखो ऐसे करके पकड़ना है, बस एकदम आसान है, पकड़ के आपको यहाँ से आपको ऐसे करके निशाना लगा देना है बस, और आधा इंच छोड़ के एक निशाना लगाना है, क्योंकि वो सिलाई के लिए, बस हो गया। यहाँ से आपको ना गाइस 1.5 इंच डाउन में एक निशाना ऐसे करके लगाना है, लगा के आपको ये जो निशाना है इसको इसका बराबर सीधा करना है, देखो ये हो गया। तो अभी ये वाला जो निशाना है ये सीधा होता है एक्चुअली, मतलब अभी इसमें नीला शौक है, इसलिए मैंने इसका निशाना नहीं लगाएंगे।
तो ये आपको आधा इंच छोड़ के एक निशाना लगाएंगे, देखो इसे करके लगाएंगे यहाँ से, मतलब चेस्ट का हिसाब होगा। देखो यहाँ बटन से रहेगा, बटन से मतलब चेस्ट का हिसाब होता है। इसका जो चेस्ट है 38 है, तो आपको फिर सारे हिस्सा में डिवाइड करना होगा। सारे हिस्सा में डिवाइड करना होगा तो आपको आएगा 9.5। तो 9.5 पे ऐसे करके रख के एक निशाना लगाएंगे, देखो लगा लिया। और आपको जो निशाना देना है देखो इतना तक, मतलब 1.25 इंची तक, 1.25 इंची तक मैंने एक निशाना लगाएंगे। देखो तो गाइस यहाँ शर्ट का लूजिंग 5 इंची रहेगा। तो ये हो गया, अभी इसका जो है मैंने निशाना उठाएंगे, मार्क उठाएंगे। देखो देखो ये यहाँ का काम मेरा हो गया है। अभी मेरा वेस्ट का है, देखो आधा इंच सोर के यहाँ एक निशाना लगाएंगे, निशाना लगा के। और वेस्ट जो होता है, वेस्ट है इसका 35। तो 35 आपको सारे हिस्से में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आपको आएगा, देखो ये है इतना आएगा, मतलब 1.25 इंची तक आएगा इस सारे हिस्से में डिवाइड करने के बाद। देखो यहाँ से आपको ऐसे करके रख के निशाना ऐसे करके लगाना है। और आपको यहाँ जो होता है आपको 1.5 इंची पे रख के ऐसे करके एक निशाना लगाना है। तो गाइस यहाँ लूजिंग होगा 5 इंची और यहाँ रहेगा 4 इंच, बस हो गया। अभी इसका हिप का निशाना लगाना है, देखो यहाँ आपको आधा इंच और के एक निशाना लगाना है। लगा के इसका हिप से 39 हाफ। तो आपको सारे समय डिवाइड करना होगा, देखो सारे समय डिवाइड करने के बाद देखो इतना आएगा, मतलब एक सूता कम जो होता है 2 इंची, एक सूता कम 2 इंची पे आपको फीता रख के निशाना लगाना होगा। देखो ये इतना तक, देखो मतलब इतना में रख के ऐसे करके आपको निशाना लगाना है। देखो लगा लिया और आपको ऐसे करके यहाँ 1.5 इंची पे एक निशाना लगाना है, बस लगा लिया। तो नीचे का जो होता है इसको मैंने ऐसे करके सीधा कर लेंगे, देखो सीधा कर लिया। अभी इसको मैंने टेप लगाएंगे। तो एक्चुअली व्हाइट कपड़ा में ना गाइस कलरिंग चॉक नहीं यूज करना है, तो ये मैंने आपको दिखा रहा है इसलिए मैंने कलरिंग चॉक मतलब यूज कर रहा है। देखो ऐसे करके तो गाइस देखो इसको अभी काटेंगे, ये इसका काम मेरा हो गया, अभी काटने का खाली है। इस तरफ मैंने निशाना लगाया है, इस तरफ चारों तरफ मैंने निशाना लगा लिया है। देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है, अभी काटेंगे इसका बैक पार्ट। तो अभी इसको इसका बैक पार्ट काटेंगे। ये देखो ये कपड़ा है, इसको आप ऐसे करके फोल्ड करना होगा। देखो इसका मैंने फोल्ड किया है, अभी इसका ऊपर मैंने इसको बिछाएंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट देखो इसका ऊपर मैंने बिछा लिया है, तो इसका ऊपर मैंने इसको बिछाया है। तो अभी ये वाला जो निशाना है इसका बराबर इसको एक निशाना लगाएंगे ये यहाँ से।
यहाँ से आपको देखो एक निशाना मैंने लगाया है, और आधा इंच और के एक निशाना लगाएंगे, देखो लगा के बस इसको ऐसे अभी करके कितने देखो। हैं? अभी इसका भी हो गया, ये थोड़ा सा काम होता है बेक पार्ट काटने का। देखो अभी बेक पार्ट मैंने काट लिया, देखो का बैक पार्ट कटिंग हो गया है, बैक और फ्रंट जो होता है इसका कटिंग हो गया है। अभी इसका मैंने साइनिंग का साइनिस काटेंगे, इतना सा नहीं थोड़ा सा साइनिस काटेंगे। देखो और इसका जो बैक पार्ट होता है ना, बैक पार्ट ये मैंने लॉस लगाएंगे, टू बैक पार्ट जो होता है थोड़ा आपको ऐसे करके काटना होता है। देखो हो अच्छा गया इसका काटिंग। अभी इसका मैंने काटेंगा शोल्डर। तो गाइस शोल्डर कैसे काटता है, मतलब योक योक तीरा शोल्डर जो भी जो भी जो भी कुछ बोलो। देखो इसको मैंने इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड करेंगे। हाँ फोल्ड किया है, करने के बाद आपको इसको और एक फोल्ड करेंगे ऐसे करके। अभी इसको मैंने इसका निशाना करेंगे, देखो इसका निशाना। तो इसका शोल्डर है 15 हाफ, 15 हाफ। तो आपको दो हिस्सा में डिवाइड करने के बाद इतना होता है, 1/8 इंची और आधा इंची सिलाई के लिए, बस हो गया। तो यहाँ से आपको 4 इंची पे एक निशाना लगाना है, 4 इंची एक दूसरे तक कम होने से भी चलेगा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ से आपको देखो 100 इंची, 100 इंची होने का 200 तक कम, यानी 5.5 पे आप निशाना लगा सकता है। तो देखो मैंने इसका 1/4 इंची पे रख के निशाना लगाया है। तो यहाँ से आपको लगाना है 1/3 इंची तक, देखो क्योंकि ये 14 इंची जो कॉलर होगा, और यहाँ से आपको 1.5 इंच में एक निशाना लगाना है, बस लगा लिया। लगा के इसका मैंने गोलाई लगा देंगे ऐसे करके, देखो ये हो गया। तो आप ये आपको ऐसे करके सीधा करके एक निशाना लगाएंगे, लगा के और इसको हम ऐसे करके निशाना दे देंगे, बस हो गया। अभी योग मैंने काटेंगे, देखो एकदम आसान है। देखो योग मेरा काटिंग हो गया। योग काटिंग हो गया एकदम आसान। तो अभी इसका काटना है बाजू यानी स्लीव्स। ये कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके और एक ऐसे करके फोल्ड करेंगे, देखो तो इसको ऐसे करके मैंने फोल्ड किया है। पागल सर देखो इसको ऐसे करके मैंने फोल्ड किया है। पागल सर देखो इसको ऐसे करके आप फोल्ड करना है।
अब इसका मैंने इसका जो मोहरा होगा यानी आर्म होल, तो उसका मैंने नीचे शेप लगा देंगे ऐसे करके आप ऐसे कर। तो देखो इसका जो शेप है मैंने लगाया है, तो इसका जो आर्म होल होगा ना गाइस 21 होगा, 21 होगा। तो यहाँ से आपको सीधा लगाना है 14 पे। देखो 14 पे मैंने निशाना लगाया है। लगाने के बाद गाइस देखो यहाँ आपको इसका जो काफ है, काफ है 11, तो आपको 100 इंची पे रख के ऐसे करके निशाना लगाना है। देखो हो गया, मतलब 11 आपको 2 हिस्सा में डिवाइड करना होगा, होने के बाद आपको आएगा 5.5 और 1/2 इंची सिलाई के लिए। बस हो गया, इतना सा काम है। तो अभी इसको ऐसे करके निशाना लगाएंगे और यहाँ से ऐसे करके निशाना लगाएंगे। बस हो गया, अभी इसको मैंने काटने का। शार्ट काट दिया है, एकदम आसान है। तो आप तालपट का जो होता है निशाना ऐसे करके लगा दो, लगा के बस आप काट दो, बस हो गया है। इसमें मतलब था हम लोग गुल्फी नहीं होगा, ये सीधा साधा खाली काफ लगेगा, लेडीज शार्ट होगा। तो गाइस आज का शार्ट जो होता है काटिंग हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना जरूर सब्सक्राइब करके देना, जरूर 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 आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।